हे फ्रेंड्स, साल 2019 में हमें बहुत सारा स्मार्टफोन्स देखने को मिला और 5G स्मार्टफोन्स भी हमने साल 2019 में देख लिया। हाँ, वो फ्लैगशिप फ़ोन थे, जैसे कि सैमसंग ने अपने S11 सीरीज और नोट सीरीज का एक एक फ़ोन 5G वर्जन के साथ भी निकाला था। मगर दोस्तों, आईफोन ने अब तक कोई भी 5G के साथ फ़ोन नहीं निकाला। आईफोन 11 लॉन्च हुआ तो वो सिर्फ 4G वेरिएंट के साथ ही लॉन्च हुआ, मगर दोस्तों साल 2020 में ऐसा लग रहा है कि आईफोन भी अपना एक फ़ोन 5G के साथ लाने वाला है, जो कि आईफोन 12 प्रो 5G हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस बार आईफोन लगभग 5 या 6 फ़ोन लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईफोन 12 प्रो 5G के बारे में ही बात करने वाले हैं और जानेंगे दोस्तों उस फोन में आपको क्या क्या स्पेक्स वगैरह देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आईफोन इस बार लगभग 5 या 6 फोन निकालने वाला है, अलग अलग साइज के और अलग अलग स्पेक्स के हिसाब से। स्पेक्स तो सब में आपको सेम ही देखने को मिलता है, थोड़ा सा स्क्रीन रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइज में अंतर रहता है और फिर से कैमरे कम ज़्यादा रहते हैं। बाकी सारा स्पेक्स तो हमें लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है। आईफोन अपने स्टार्टिंग में आईफोन 9 या फिर आईफोन SE 2 लॉन्च करने वाला है दोस्तों, और दोस्तों वो साल के अंत में जो फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च करने वाला है उसी के साथ हो सकता है कि एप्पल एक आईफोन 5G भी लॉन्च कर सकता है। मगर दोस्तों, उसका प्राइस क्या होगा आप सोच सकते हैं। अभी ही आईफोन मैक्स, जो सबसे लेटेस्ट सबसे महंगा वाला फोन होता है, वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास चल जाता है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईफोन 12 प्रो 5G का प्राइस क्या हो सकता है दोस्तों। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस फोन में आपको 4 कैमरा देखने को मिल सकते हैं और उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग होगा। इस बार आपको कोई भी नॉच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और तो और दोस्तों, इस बार आपको टच ID भी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। आईफोन तो उसे टच ID ही नाम देने वाला है, पहले भी वो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर को टच ID बोलता था, तो इस बार इन डिस्प्ले टच ID बोलेगा, ज़्यादा फर्क रखेगा नहीं। शायद हो सकता है आईफोन इस बार ये सभी फीचर आईफोन 12 5G वर्जन में दे दे। तो दोस्तों, देखते हैं आईफोन क्या करेगा। ऐसी पूरी स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के आई है कि आईफोन इस बार 5G वर्जन के साथ फोन लॉन्च करेगा। इस बार तो आईफोन यार लगता है 5-6 फोन लॉन्च करने वाला है, तो देखते हैं आईफोन क्या करता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आईफोन 5G वर्जन का कितना प्राइस हो सकता है? आप कमेंट में अपने अपने हिसाब से प्राइस लिखकर जरूर बताएं। अभी तो दोस्तों लगभग 1.5 लाख का उसका फ़ोन आता है, सबसे महंगा वाला जो फ़ोन है, क्या पता ये 2 लाख भी टच कर दे, जिसमें एक सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन आ जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और आपका कोई सवाल या सुझाव है इस चैनल से रिलेटेड, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दे। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा मैंने कोई वीडियो अपलोड किया। और आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।